गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज का संडे बहुत ही बिजी होने वाला है, बट बहुत ही प्यारा भी होगा, बिकॉज सुबह सुबह सबसे पहले हम लोग अवधूत के साथ चेस्ट एंड शोल्डर ट्रेन करने जा रहे हैं। एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी फन, क्योंकि मैं काफ़ी समय से इस दिन का आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, बिकॉज आई थिंक मैंने और अवधूत ने सबसे पहले बात करना स्टार्ट किया था यूट्यूब के कॉमेंट्स पर। एंड हम लोग एक महीने से ट्राई कर रहे हैं साथ में ट्रेन करने का, बट हम दोनों का कॉलेज का टाइमिंग्स बहुत अलग है। उसका कॉलेज सुबह में होता है, मेरा शाम को होता है, इसलिए वी नेवर गॉट अ चांस टू एक्चुअली लिंक अप। बट हाँ, टुडे इज द डे एंड बहुत मज़ा आने वाला है। 10 बजे वो इवॉल्व आएगा एंड हम वहीं पे जाएंगे। एंड अगर आपको एक बहुत अच्छा सिनेमैटिक वर्जन ऑफ दिस वीडियो देखना है, वेरी वेल शॉट एंड एडिटेड, उसके चैनल पे प्रॉबली अगले 1 या 2 या 3 दिन में वो वीडियो आ जाएगा। एंड स्पेशली अगर कोई उसकी ऑडियंस का है तो प्लीज़ आप उसके चैनल वाला वीडियो देखना, बिकॉज मेरे एडिटिंग स्किल्स एकदम जीरो है। सो या बट स्टिल आई एम गोना ट्राई टू डू व्हाट आई कैन। एंड हाँ, होप यू गाइज एंजॉय आज का वीडियो। आज बहुत बहुत काम है आज, बट या सीधा अभी जिम में मिलेंगे। सो लेट्स गो। ओके, एक छोटा सा वॉइस ओवर ताकि आपको पता चले कि आज हमारी ट्रेनिंग कैसी गई। हमने स्टार्ट ऑफ किया इंक्लाइन डंबल्स के साथ, ऑल दो मुझे इंक्लाइन डंबल बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बट अवधूत का प्राइमरी प्रेसिंग मूवमेंट वही है एंड हमने एक दूसरे के लिए एक एक मूवमेंट सैक्रिफाइस किया। उसका वर्किंग सेट उसने 32.5 kgs के साथ लिया, जहाँ पर उसको 6 या 7 रेप आए एंड उसने अपने मेरे को कम्प्लीटली मॉक कर दिया स्ट्रेंथ वाइज एंड फिजिक वाइज ऑल्सो। बट कोई बात नहीं, मेरा टॉप सेट था 25 kgs के साथ एंड हमने एक एक बैक ऑफ सेट भी किया, जिसके बाद हम दोनों ने आई थिंक एक सेट मशीन प्रेस पे भी किया एकदम ऑल आउट। एंड उसके बाद आप देख लेना क्या हुआ। चल पुश कर, दो और, इजी, बिग ब्रेथ, पुश, पुश, सर अजुने कर, बिग ब्रेथ, पुश, 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 मेरा चेस्ट फटने वाला है। ओके, सेकंड मूवमेंट ऑफ द डे, शोल्डर प्रेस। पहला टॉप सेट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर आपको याद रहेगा मैंने लास्ट टाइम 20 kgs के साथ अराउंड 10 रेप्स के आसपास फेल किया था, इसलिए आज 22.5 डाला था, बट रेप्स थोड़ा प्लान से कम आ गए अनफॉर्चुनेटली, बट इट्स ओके। सेकंड सेट हम लोग बैक ऑफ कर रहे हैं, 2.5 का प्लेट निकाल दिया, अच्छे से रेस्ट किया, एंड विल पुश वेरी हार्ड। लेट्स गो। Easy. Ja. Push. Slow. Ja. Push. Easy boy. Ja.
चलो डीप ब्रेथ। फायर सेट, मजा आ गया। अभी हम लोग चेस्ट फ्लाइज करेंगे, लैटरल रेस करेंगे, आज का पुशले खत्म करेंगे। लेट्स गो, पुश पुश, बहुत रेप्स है अभी। चल इजी, नीचे आराम से आने दे। हाँ एक नंबर, पुश पुश पुश, पार्शल्स। हाँ नाइस ब्रो। अभी हम लोग ने शोल्डर प्रेस खत्म किया है, इसके बाद क्या करने वाले अवधूत बताएगा। बैक फ्लाइज होता है। हाँ, हमने उस पे एक सेट किया है, केबल फ्लाइज पे। अभी देवराज के लिए हम इस पे करेंगे। छोड़, अभी मैं पार्सल करता। रो मजा आया रे, चेस्ट डे बेस्ट डे। हाँ ना, बचा है अपना लैटरल रेजेस पे। यहाँ पे हम लोग मायो रेप्स वाला टेक्निक यूज़ करने वाले हैं। आज मैंने अवधूत को भी बताया उसके बारे में, हम दोनों वो करेंगे। एंड आई रियलाइज़ कि हमारे पास लास्ट सेट बेस्ट सेट का है, ब्रांड एम्बेसडर है आज। सो लास्ट सेट बेस्ट सेट, एक नंबर। ब्रो शिट, तुक मैं तेरे जैसा एंगल में बैठता। तो बेसिकली मायो रेप्स क्या है, अभी मैं कंप्लीट रेप्स नहीं कर सकता ना, इसलिए मैं एक दो सेकंड पॉज करूंगा, अच्छे से सांस लूंगा, एंड देन वी अगेन गो फॉर दिस सेम प्रोसेस अगेन एंड अगेन, जब तक मैं रो में दो या तीन सेट से ज़्यादा नहीं, दो या तीन रेप्स से ज़्यादा नहीं कर सकता। तो सांस लेते ज़रा, चेस्ट डे ओवर। आई थिंक लाइफ का बेस्ट चेस्ट डे था,
बंदे की वजह से, तो थोड़ी पोजिंग करते हैं एंड फिर देखेंगे क्या करना है। लेट्स गो। अच्छा एक टाइमलाइन में छोटा सा चेंज, बिकॉज़ आज हम इतना बिजी थे ना कि मेरे को लिटरली कुछ भी कंटेंट रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं था, अपार्ट फ्रॉम द कंटेंट आई शॉट ऑब्वियसली। बट मेरे को थोड़ी एक दो चीज़ें के बारे में बात करना था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्लीज़ स्किप मत करना। आई नो सीइंग सेशन एंड में, बट वॉच दिस ब्रो प्लीज़। आज मेरा और अवधूत का जो ट्रेनिंग सेशन था ना, वो आई थिंक 11:45 को ख़त्म हो गया था एंड हम लोग नीचे थे। एंड इसके पहले जो आपने टाइम लैप्स दिखा ना, वो एक्चुअली 1% भी नहीं है हम लोग ने जितना टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ, एक पेड़ के नीचे, रैंडम से पेड़ के नीचे बैठ के हमने बातचीत करी ना एक दूसरे से, नॉट इवन 1%। एंड 11:45 से लेके 1:30 तक ऑलमोस्ट हम लोग वहीं पे बैठे थे एंड हम लोग अलग अलग चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे। एंड उसने मेरे को उसके कॉन्टेंट क्रिएशन का पूरा जर्नी का स्टोरी सुनाया एंड भाई मेरे हाथ में लिटरली गूज़बम्प्स मालूम है क्या, वो जब भी बोल रहा था ना, आई वॉज लाइक, मैंने स्टोरीज़ बहुत सुने हैं लोग के कि उन्होंने ग्राइंड किया है, कि उन्होंने हसल किया है, बट पहली बार ऐसे आदमी को देखा जिसने वो एक्चुअली किया और वो मेरे सामने बैठा था। मतलब उसने ये स्टोरी कभी भी, आई डोंट थिंक जो उसने आज मेरे को बताया उसने पब्लिकली यूट्यूब पे उसके बारे में बात किया है, बट वो एक ऐसी स्टोरी है ना जो वर्थ टेलिंग है एंड एक दिन वो ज़रूर बताएगा यूट्यूब पे। मैं तो नहीं बताऊँगा बिकॉज मेरी है नहीं, तो आई एम नॉट वर्दी ऑफ टेलिंग इट टू यू गाइस, बट जिस दिन वो बताएगा ना कि उसने जहाँ से स्टार्ट किया था और वो जहाँ पे आज है, वहाँ वो कैसे पहुँचा है ना, आप लोग का दिमाग हिल जाएगा। एंड आई नो कि बहुत लोग उसको बोलते हैं, मैंने उसको कमेंट सेक्शन में भी पढ़ा है कि यू नो यू आर वेरी लकी दैट तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है इंडस्ट्री के इतने बड़े बड़े लोगों के साथ बात करने की, कोलैबोरेट करने की, ये करने की, वो करने की, बट आई डोंट थिंक उसमें लक बिल्कुल भी इन्वॉल्व था, नॉट इवन 1% लक था उसमें इन्वॉल्व, 100% हार्डवर्क था। एंड जब वो आपको अपनी स्टोरी बताएगा, मैं उसको मैसेज करूँगा एक्चुअली कि जो उसने मेरे को आज बोला ना उसका वीडियो बनाना, बिकॉज इट्स इनसेन। एंड उससे आप लोग भी 100% मोटिवेट इंस्पायर होगे, मतलब एक्चुअल हसलिंग जो बोलते हैं ना वो उस बंदे ने किया है एंड वो आज जिस लेवल पर है ना, जितना उसने खुद को काबिल बनाया ना कि वो इंडस्ट्री के ऐसे ऐसे लोगों के साथ शूट कर सकता है, बातें कर सकता है, कोलैब कर सकता है, दैट्स बिकॉज उसने उसकी तरफ काम किया है रे, उसने खुद पे काम किया, उसने खुद के आर्ट, खुद के पैशन पे काम किया, ही हैज स्टेड डिसिप्लिन टू हिमसेल्फ एंड हिज आर्ट। एंड मतलब वही चाहिए यार लाइफ में, अगर आपका कोई गोल है ना तो बस बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, कंसिस्टेंटली एफर्ट्स डालो, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। वो मैंने आज उस बंदे से सीखा एंड मतलब मैं बता नहीं सकता कि यार हमने क्या क्या बातें करी है, मतलब आई थिंक अगर मैं अभी बात करना स्टार्ट करूँगा ना, मैं 15-20 मिनट तक बोलते रहूँगा। वैसे आइडिया अच्छा है, ऐसे पॉडकास्ट करना चाहिए मेरे को और अवधूत को, गुड आइडिया। एनीवेज थोड़ा ऑफ टॉपिक हो गया, बट उसके बाद मैंने ना एक क्विक रिकैप देता हूँ, इसके बाद आप क्या क्लिप्स देखने वाले हो। वहाँ से मैं एक दूसरे जिम गया था शूट करने के लिए, वहाँ पे तो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। घर पे आने के बाद मैं म्यूज़िक क्लास करने गया था एंड म्यूज़िक क्लास से
मैं गया था अपने दोस्त के सोसाइटी में, वो एक फिल्म डिज़ाइनर है जोशवा मेरा दोस्त, ही इज़ ऑल्सो, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि यार मेरे सारे दोस्त इतने टैलेंटेड हैं, मतलब यार इट्स इनसेन कि हाउ टैलेंटेड मेरा फ्रेंड ग्रुप है एंड इतना डाइवर्स आर्ट्स में वो लोग हैं। बट हाँ, वो फिल्म डिज़ाइनर है एंड उसको एक फ्रेम चाहिए था, एक पर्टिकुलर फ्रेम, उसके बारे में जब वो फिल्म रिलीज़ होगी तब मैं आपको बताऊँगा क्या था। बट हम वहाँ पर रिकॉर्ड करने गए थे एंड वो शूट के एरिया में जो बिल्डिंग थी ना, वहाँ पर ऐसे लाइक अबैंडन्ड घर थे और वो थोड़ा क्रीपी था, थोड़ा डर लग रहा था। बट हम लोग उसको एडवेंचर करने गए थे, तो इसके बाद उसी के क्लिप्स मिलेंगे एंड देन हम फिर एक सिंगिंग सेशन के लिए मिलेंगे। तो या होप यू गाइज एंजॉय वॉट एवर इज आफ्टर दिस, इवन मुझे नहीं पता क्या है, मेरे को एडिट करना है बैठ के। तो या होप यू गाइज लाइक इट एंड अब सीधा हम मिलेंगे सिंगिंग सेशन में, लेट्स गो। गाइज ये मेरा स्कूल हुआ करता था एक टाइम पे, अभी सब जैसे हमने स्कूल छोड़ा सब अच्छा हो गया। अरे कैट क्या, इधर बर्ड का पढ़ाई हो रहा है। हाथ पकड़ के चलते, मैंने फ्लैश नहीं चालू किया। ओके सॉरी, बस कैमरा देख के ही फ्लेक्स करने का आदत हो गया। बट आज का सिंगिंग सेशन, आज का वीडियो ख़त्म करने के लिए एक छोटा सा सिंगिंग सेशन, बिकॉज वो बनता है, इतना स्पेशल वीडियो बनाया भाई आज, विदाउट सिंगिंग सेशन ऐसा नहीं छोड़ सकते। तो ये गाने का नाम है ओर अंग्रेज, भाग मिल्खा भाग मूवी में आया था एंड मैं इसका एक ऐसा पार्ट गाने वाला हूँ जो बहुत लोगों ने सुना नहीं है, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसके शब्द बड़े अच्छे हैं गाने में जो यूज़ किए हैं जावेद बाशीर सर ने। तो या होप यू गाइस लाइक दिस। ओ रंग रे ओ रंग रे तेरे रंगदारिया, ओ रंग रे तेरे रंगदारिया, डूबना है बस तेरा बनके है। नहीं रहना दूजा बनके। होप यू गाइज लाइक दैट लिटिल क्लिप। मेरे को तो ये मेरा यार मतलब ऑल टाइम फेवरेट गाना है, मैं झूठ भी नहीं बोलने वाला हूँ, मतलब दिल पे लगता है यार ये गाना, बहुत बहुत प्यारा है। बट एनी वेज, एक छोटा सा क्विक अपडेट दे देता हूँ आज के दिन में क्या क्या हुआ था। मैं काफ़ी कुछ रिकॉर्ड करना भूल गया हूँ आज एक्चुअली, क्योंकि काम उतना ज़्यादा था। तो जिम से निकलने के बाद राइट, मैं अराउंड 120 को निकला था जिम से एंड मैं 130 को एक दूसरे जिम में गया था क्योंकि वहाँ पर एक शूट था हमारा एंड वो शूट ख़त्म करने के बाद 2:30 हो गया था और फिर मैं अराउंड 2:45 को घर पहुंचा था। घर पहुंच के मैंने पूरा लंच बनाया था, वीडियो एडिट किया था एंड मेरे को मेरा प्रोजेक्ट का भी काम करना है क्योंकि कल मेरे 2 सबमिशन है कॉलेज में एंड कल मेरी एक प्रेजेंटेशन भी है एक्चुअली, इसके बारे में मैं भूल गया था ऑनेस्टली, अभी भी भूल चुका हूँ, कल सुबह तैयारी करेंगे उसकी, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है। प्रेजेंटेशन देने में अच्छा हूँ यार ऑनेस्टली, मतलब मैं बोल सकता हूँ स्पॉट पर कुछ भी। सो या पर्क्स ऑफ हैविंग अ बिजनेस डिग्री आई गेस। बट एनी वेज वो छोड़ो, वो करने के बाद हम 5 से 6 गए थे म्यूज़िक क्लास करने। म्यूज़िक क्लास में मैं अनफॉर्चुनेटली कोई कंटेंट रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट आई थिंक मैंने अभी गाना गाया तो उसका थोड़ा मेकअप हो गया। तो हाँ, फिर हम एक दूसरे दोस्त की सोसाइटी में गए थे बिकॉज वो एक फिल्म डिज़ाइनर है एंड उसको एक फ्रेम शूट करना था हमारे स्कूल के पास।
जिसकी क्लिप्स आपने देख ली होंगी पहले, एंड वही शूट के एरिया में एक बिल्डिंग थी जहाँ पे लाइक अबैंडन्ड फ्लैट्स थे। तो रात का समय हो रहा था, हमने बोला चलो थोड़ा मस्ती करने जाएंगे। काफ़ी वियर्ड एक्सपीरियंस था ऑनेस्टली, बट सब दोस्त साथ में थे, सबकी साथ में फट रही थी, तो इट्स ओके, सब बैलेंस आउट हो गया एंड में। एंड फिर मैं घर आ गया। आज मेरे को बहुत टाइम वेस्ट करना पड़ा बिकॉज मेरे फ़ोन के स्टोरेज जो है ना वो फुल हो गई थी, क्योंकि लेग डे का पूरा फुटेज था, आर्म डे का पूरा फुटेज था, और मेरे दोस्त और जिम के शूट का पूरा फुटेज था। इसलिए मैं वीडियो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था लेग डे वाली यूट्यूब पे पोस्ट करने के लिए। मेरे को 3 बार वीडियो एक्सपोर्ट करनी पड़ी एंड 30-30 मिनट लगे थे, एंड उसके वजह से मैं और कुछ घर पे जो मैं कर रहा था उसका कंटेंट रिकॉर्डिंग कर पाया। बट हमने प्रीटी मच अपना प्रोजेक्ट ही ख़त्म किया। हमको दिखाता हूँ, ये देखो भाई, माई प्रोजेक्ट फाइनली डन। एंड इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन तो नहीं है जो मेरे अगेंस्ट यूज हो सकती है? नहीं, सिर्फ मेरा नाम और वो सब है, वो आपको मालूम होगा अभी तक। बट या दिस वॉज माई प्रोजेक्ट, फाइनली ख़त्म हो गया भाई। आज बहुत ग्राइंड किया है इसके लिए मैंने, एंड मज़ा आएगा जब इसका वाइवा होगा ना, सब जो भी सवाल पूछेंगे सबका आंसर है मेरे पे। सो आई एम हैप्पी, एंड या आज का दिन यहीं पे ख़त्म करते गाइस। वेरी वेरी होलसम डे, वेरी ग्रेटफुल कि मेरे को ऐसे लोगों के साथ, ऐसे क्रिएटर्स के साथ अपॉर्चुनिटी मिलता है ट्रेन करने का, उससे ज़्यादा बात करने का और नॉलेज शेयर करने का। आई थिंक ट्रेनिंग असाइड ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, बिकॉज कुछ साल डाउन द लाइन ये सब चीज़ें याद रहेंगी। चेस्ट में कितना वेट पे कितना मारा था आई डोंट थिंक वो याद रहेगा, बट जो हमने बॉन्ड बनाया, जो हमने कनेक्ट किया एक दूसरे के साथ, दैट विल टेक द केक ओवर एवरीथिंग। एंड मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ नेक्स्ट टाइम हम कब साथ में ट्रेन करेंगे, मैं और अवधूत। हमने डिसाइड तो कर लिया कि करने तो वाले हैं, एंड डिसाइड कर लिया कि बैक ट्रेन करेंगे। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी फन। तब तो उसका भी बल्क चालू हो जाएगा, मेरा बल्क तो वैसे चल रहा है बट मेरा वेट कम हो रहा है, तो आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग देयर। बट एनीवेज, वीडियो बहुत लंबा खींच गया, तो आई एम गोना कट इट हियर। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू टुमारो एक बढ़िया से बैक डे के लिए। मज़ा आएगा, कल बहुत ज़्यादा बिजी डे होगा तो और मज़ा आएगा यू नो शूट करने में एंड अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में। तो या सी यू गाइस टुमारो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।